हाय अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों। ये देखो, रॉन्ग साइड आना अपनी अपना राइट समझ लिया लोगों ने। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? काफ़ी टाइम हुआ यार, कोई अनप्लग वीडियो नहीं बनाई। ट्राई टू बेयर विद मी। आज मौसम अच्छा हो रहा था, हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। असल में बैठा बैठा घर से काम कर रहा था, तो आज एक तो दोस्तों ने कहा कि यार आपसे मिलना है, तो दैट्स व्हाई आई एम हेडिंग ओवर टू माय प्लेस ऑफ बिजनेस। और इस दौरान में बेसिकली एक दो कहानियाँ भी हुई हैं, मैंने सोचा आप लोगों से कहानियाँ डिस्कस करूँ। बस लोग हमारी मेरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, कोलोव के बारे में, तो कोलोव इंशाल्लाह आएगी थोड़े से। उस पर मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक ही यूनिट ना लाएँ, दो तीन ऑप्शंस दिखाएँ ज़रा मज़ेदार किस्म के, वो आप लोग जब देखेंगे तो आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। एनीवे, तो सी एफ मोटो इज़ ऑल्सो कमिंग टू पाकिस्तान। क्या चल रहा है भाई ये, अल्लाह खैर करे। सी एफ मोटो इज़ ऑल्सो कमिंग टू पाकिस्तान एंड सी एफ मोटो इज़ बहुत अच्छी ब्रांड है ये, और मैं इनके पास होकर आया हूँ अभी। आई नो दीज गाइज, नाइस गाइज, ठीक है। और इन्होंने अच्छा खासा सेटअप किया है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर। इन्होंने बाकायदा अपना शोरूम खोला है DHA फेज 6 के अंदर, सी एफ मोटो का। और इंशाल्लाह आज या कल में, जब वैन यू वॉचिंग दीज वीडियोस, आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ये देखें, ये सिल्वर सलेंसर वाला किसी गलत इरादे के साथ होगा, लेकिन मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा। तो अच्छी मोटरसाइकिल है, आप लोगों को इंशाल्लाह वो पसंद आएगी। और बहुत अच्छा लाइनअप है, 800 MT इज़ एन अमेजिंग मोटरसाइकिल, और उसके बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ हैं। तो दैट्स वन थिंग। एक सेकेंड, इसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रह रहा है? अभी मैं सफाई, आपको पता थोड़ी गर्द हो रही है, ये सामने धूल मट्टी का तूफान भी आया हुआ है। सुबह उठा हूँ तो सारी पूरी बाइक पर गर्द जमी हुई थी, और मैं बाइक को धोना इसलिए नहीं चाह रहा था कि जिस दिन मैं बाइक धोता हूँ उस दिन बारिश हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि कराची में इस वक्त बारिश हो, इसलिए मैंने बाइक नहीं धुलवाई। सेकेंड चीज़ जो आप लोग टाइटल के अंदर देख चुके होंगे या थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, वो अप्रिलिया के बारे में। तो देखिए, एक बात आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अप्रिलिया की क्या बैकग्राउंड था, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इनके बैक पे जो कंपनी है ना, वो है बेसिकली रावी वाले, रावी ग्रुप, जो आपका लाहौर का काफ़ी मशहूर ग्रुप है। इनकी मोटरसाइकिल छोटी 70 वगैरह भी चलती थी। एक मोटरसाइकिल को आप लोग और भी जानते होंगे, इनकी डर्बी, कहाँ है? अब नहीं आ रही ना, बिक नहीं रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न कि यहाँ भी कुछ ऐसा गेम हुआ था। अब मैं आपको बता दूँ गेम हुआ क्या था, बिकॉज इसको कहें कि टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट वाली बात है, लेकिन वो जाहिर है कि मुझे जो बातें पता चल रही हैं मैं उसी बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ, सो डोंट शूट द मैसेंजर वाली बात है। डर्बी बेसिकली अप्रिलिया की एक या प्याजियो ग्रुप की एक सब ब्रांड। पाकिस्तान में अगर आप कोई अप्रिलिया या प्याजियो लाते हैं, बिकॉज इट्स अ यूरोपियन ब्रांड, तो उसके ऊपर आपको अच्छी खासी ड्यूटियां देनी पड़ जाती हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई बाइक अगर चाइनीज ओन्ड होगी या चाइना से आ रही होगी, उसके मुकाबले में अगर कोई मोटरसाइकिल अगर यूरोपियन ओन्ड हो या कंपनी ओन्ड हो, यूरोपियन ओन्ड, फॉर एग्जांपल सी एफ मोटो इज ओन्ड चाइनीज ओन्ड, लेकिन KTM जिनके लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है सी एफ मोटो, KTM इज यूरोपियन ओन्ड। ठीक है, मुझे पता है कि हिंदुस्तानी कुछ दोस्त बोलते हैं हमारे कि जनाब उनके, आई थिंक TVS के, बजाज के, मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं आता, कि अच्छे खासे शेयर्स हैं। शेयर्स होना अलग बात है, लेकिन कंपनी का ओरिजिन और कंपनी की ओनरशिप अभी भी जो है वो ऑस्ट्रिया आई थिंक है, और यूरोपियन कंपनीज के, कंपनी के पास ही है, तो इट्स नोन एज अ यूरोपियन कंपनी। ठीक है, इन अ सिमिलर वे बेसिकली जो डर्बी है वो एक यूरोपियन ओन्ड कंपनी है, पियाजियो ग्रुप की ओन्ड है। वो मैन्युफैक्चर करवा रहे थे चाइना में जोंगशन से। अब हो ये रहा था कि अगर आपने से जिन लोगों के पास डर्बी होगी, वो कहीं भी अप्रिलिया या डर्बी लिखा हुआ नहीं देख रहे होंगे अपनी मोटरसाइकिल के पेपर्स पे, या जब वो लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि मैंने उसके बाद लोगों के पास देखे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के, इट रजिस्टर्स एज अ रावी 150 CC। ठीक है ना, तो भाई रावी वाले कह रहे हैं कि हम चाइना से ला रहे हैं, और वो ला रहे थे जोंगशन के प्लांट से ला रहे थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन सी थी? डर्बी की थी। देन व्हाट हैपन कि इन्होंने कहा चलो ये तो ला रहे हैं,
सो लेट्स सी कि हम किस और चीज से जो है वो गेट अवे हो सकते हैं. Whoever planned this stunt was smoking a lot of jazz cabbage. Tell you that much. That's pretty obvious. तो इन्होंने एक और चीज ट्राई की, अंधों की तरह चलाने सारे. इन्होंने एक और चीज ट्राई की, वो ये कि इन्होंने वेस्पा प्राइमावेरा लेकर आया. आप लोगों को शायद याद होगा जिन्होंने डेडपूल देखी है, डेडपूल एक मूवी थी तो उसमें वेस्पा प्राइमावेरा पे डेडपूल जो है वो चला रहा होता है, रायन रेनल्स ने उसको वो बड़ा वो चला रहा होता है. वो बड़ी ज़बरदस्त मशीन थी और मज़े की बात यह है कि वो सेम हेड के अंदर थी. कौन सी सेम हेड? द सेम हेड एज डर्बी वेस्पा भी आ रही थी, लेकिन उसको जनाब अली क्लियर करवाया गया वही रावी के अंडर में. और टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी मोटरसाइकिल थी, सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ थी, ऑटोमेटिक थी, मैंने देखा था. लेकिन आई थिंक इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया था कि उसको चाइनीज़ के तौर पे पाकिस्तान में इन्होंने स्कूटर के तौर पे जो है वो करवाया था रजिस्टर या मंगवाया था. और फीचर रिच मोटरसाइकिल थी, आई थिंक 3.5 लाख 4.25 लाख रुपये की वो स्कूटर जो है वेस्पा की प्राइमावेरा वो आई थी. तो जिन्होंने पहले कंटेनर में ले लिया दे वर हैप्पी विद इट, ठीक है. बाद में उनके फिर कंटेनर वगैरह क्या हो रहा है भाई ये, बाद में उनके कंटेनर्स वगैरह जो है वो आई थिंक सेकंड कंटेनर फिर उसका दोबारा आया नहीं. अब वो बैठे हुए जिन्होंने ओन किया दे स्टिल ओनिंग दे वेस्पास. मुझे तो अब कोई मिल भी नहीं रहा वेस्पा का ओनर यहाँ पर. मुझे अभी तक प्राइमावेरा चलाता वो शायद एक बंदा ही नजर आया, वो भी डिफेंस साइड के ऊपर कराची में. इन्होंने बोला यार चलो एक और गैम्बल खेलते हैं. वो गैम्बल ये था कि जनाब दे ब्रॉट इन अप्रिलिया. अब अप्रिलिया की RS660 एंड RS V4 ये मोटरसाइकिल्स मजाक नहीं है. RS660 इज ए डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल. अब आप बोलोगे साउंड तो कोई नहीं है यार, जो भी करते रहो, लेकिन इट वाज मेकिंग समवॉट नॉर्थ ऑफ 100 हॉर्स पावर. 660 और बना कितनी रही है 100 हॉर्स पावर. जो स्टैंडर्ड R6 आती थी ना यामाहा की, वो अराउंड 107-108 कुछ हॉर्स पावर बनाती थी. और आई थिंक ये आपकी जो CBR होंडा की CBR 600 होती थी ये भी यही बनाती थी आई थिंक. उसको फिर उसके ट्यून वर्जन आए, लेकिन स्टिल आप जो फोर सिलेंडर वाली बात कर रहे हैं ना, तो फोर सिलेंडर हो या अपना क्या नाम है ये टू सिलेंडर से वो पावर देती थी. इसके अलावा उस बाइक में इतने फीचर्स और उसने उसके राइडिंग मोड्स थे कि टेक्नोलॉजिकली एक बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है वो RS660. और देखने में भी वन ऑफ अ काइंड लगती है. मतलब अगर आप कहीं खड़े हो ना और आपको कोई बाइक्स के टंकी वगैरह नज़र ना आ रहा हो, आप सिर्फ अप्रिलिया का एक स्विंग आर्म देख लेंगे ना, रियर स्विंग आर्म. आई थिंक आपने मेरी वो रॉयल इनफील्ड की भी एक वो देखी होगी वीडियो, मैंने बनाई थी रॉयल इनफील्ड की कस्टम जो तैमूर परवेज ने बनाई थी. तो उसका जो स्विंग आर्म था अप्रिलिया का टू स्ट्रोक का आई थिंक जो उन्होंने लगाया हुआ था RS 250 का या 350 का ना, बड़ी दूर से पता चल जाती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल्स, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स थी. अब इन्होंने क्या किया कि ये लेकर आए, इन्होंने बोला यार 20 लाख रुपए से. अब मेरा एक दोस्त है, एक जानने वाला है, लेकिन एक्वेंटेंस कह लीजिए और फ्रेंड कह लीजिए, व्हाटएवर ही कंसीडर्स मी. तो उन्होंने क्या किया कि जनाब 2 या 4 पीसेस जो है वो अपने बुक करवा लिए कि लेट्स से आएंगी कुछ प्रॉफिट पे बेच देंगे. मुझे पता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए 2 मिलियन कोई मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती होगी, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए 660 सीसी इटालियन मोटरसाइकिल अप्रिलिया की, और वो भी 20 लाख रुपए के अंदर. आप सोचें बनेली में, बनेली और आती वो चाइनीज़ टैग के अंदर ही है, चाइनीज़ डिक्लेरेशन में ही आती है, बिकॉज इट्स उसकी जो पेरेंट कंपनी है इट्स अ चाइनीज़ कंपनी. तो वो और बनती भी वो चाइना में है, तो वो भी आती है, उसकी भी जो है अब 620 लाख रुपये तक की हो रही है. तो एक यूरोपियन कंपनी से इनके जहन में यही था, और वो इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस मोटरसाइकिल नहीं है ना, उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की है 600 आई वगैरह की कि जो इसकी है अपना अप्रिलिया की है. व्हाट द हेल हैपन, उन्होंने जनाब अली आई थिंक महीने भर के अंदर उसकी कीमत 20 से 22 लाख रुपए कर दी बुकिंग की, और आई थिंक उसके बाद फिर 24 लाख रुपए कर दी. जिन्होंने कोई प्लस माइनस आई थिंक कोई साल भर पहले अपनी बाइक्स बुक करवाई थी, वो मुँह पकड़ के बैठे, अबे भाई कहाँ गई भाई भाई, कह रहे आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है. फिर मुझे पता चला थ्रू सम सोर्स व्हाटएवर सोर्स कि जनाब बाइक्स इनकी गई हैं रुक,
क्यों रुक गई हैं? अगर आप कोई यूरोपियन मोटरसाइकिल 0 मीटर ब्रांड न्यू लेकर आते हैं पाकिस्तान में 660 सीसी की, सो इट्स ऑलरेडी क्रॉसिंग द, क्या बोला जाए, एक मार्जिन होता है उसको क्रॉस करता है। अप्रॉक्सीमेटली किसी ने उसका लगाया था कि 17 या 18 लाख रुपए तो उस पर सिर्फ ड्यूटी होगी। ये हुआ जना 17-18 लाख रुपए ड्यूटी 20 लाख रुपए वाली बाइक के ऊपर। तो क्या बाइक की कीमत क्या जो है वो 2 लाख रुपए थी? तो इवेंचुअली यही हुआ कि चाइनीज़ में क्लियर करने का चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया, वो इनका चीज़ जो है वो फेल हो गई। एंड अब जो है अप्रिलिया आई है पाकिस्तान के अंदर, RS660 आई थिंक 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ या 40 लाख रुपए की वो आई है। जो 20 लाख में बुक कराई थी वो 40 में आई है। एनीवे लेकिन ही सेड, मैंने पूछा भाई तुम्हारी बाइक्स कहाँ गई, तो पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर गुस्से में कहा कि यार वो मैंने अपनी विदड्रॉ ही कर लिया, अपना रिफंड ले लिया उन लोगों से। और आई थिंक देयर आर सम पीपल हु आर सुइंग दीज गाइज इन अप्रिलिया पाकिस्तान या व्हाटएवर, रावी वाले जो लोग थे। यही लोग हैं जो मोटो गुच्ची भी ला रहे हैं, जो V85 बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है बाय द वे, ठीक है, अब वो टॉप स्पीड वाली बात ना करना मुझसे, इससे टॉर की मोटरसाइकिल से टूरिंग मोटरसाइकिल बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, यून मैकग्रेगर भी उसको चला रहा है। तो वही लोग हैं जो मोटो गुच्ची भी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, वही लोग हैं जो अप्रिलिया ला रहे हैं, वही लोग हैं जो डर्बी ला रहे थे, अब डर्बी कहाँ गई, किसी डर्बे में बंद है। और यही वो लोग थे जो आपको रावी की मोटरसाइकिल्स भी दे रहे थे और अप्रिलिया भी, अब तो सोच लीजिए। सो एनीवे दिस इज़ द फेट ऑफ अप्रिलिया इन पाकिस्तान, के क्या बोला जाए।